तभी मुझे बहुत बड़ा अचंभित में हो गई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मेरी जाति क्या है, क्या ना मेरे मुझे घर पे सिखाया गया। यही सिखाया जाता था कि अच्छे रूप से लोगों से बात करना, अपनी जबान पे कंट्रोल रखना, सोच थोड़ा, 2 मिनट सोचो फिर बोलो। युवा मोर्चा में होता नहीं है, क्योंकि होश और जोश की जगह जोश ज़्यादा होता है, होश कम होता है हमें। लेकिन उस रूप से हमें ऐसे ही संस्कार दिए गए। ये भी मुझे घर पे संस्कार दिए, मेरा भाई और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं था, क्योंकि मेरे भाई और मुझ में ये नहीं, मुझे पिताजी ने कभी कहा अरे तुम लड़की हो तो जल्दी घर आओ, राहुल बेटा तुम कभी भी जाओ, ऐसे कभी नहीं था। मैं तो ये भी कहती हूँ मेरी से अच्छी चाय तो मेरे भाई बनाते हैं किचन में मेरे से ज़्यादा। तो समानता के ये संस्कार मेरे घर में पहले से ही थे। लेकिन जब 7वीं 8वीं कक्षा में मेरे दोस्त ने मुझे पूछा तो मुझे बड़ा ये लगा कि इसको ये पता है कौन है, उसको पता है वो कौन है, मुझे ही पता नहीं मैं कौन हूँ। तो उस दिन मेरे पिताजी दिल्ली थे, उन्हें मैंने फ़ोन लगाया, एसटीडी के पैसे ज़्यादा लगते थे तो ज़्यादा लंबा सवाल पूछ नहीं पाती थी तभी। तो मैंने कहा बाबा मुझे आपसे बात करनी है, बहुत बड़ी समस्या में हूँ और आप मुझे फ़ोन करिए। तो कह रहे मैं 2 दिन में आ ही रहा हूँ, इतनी बड़ी समस्या, वो हंसने लगे, इतनी बड़ी समस्या तो नहीं हो सकती कि 2 दिन रुक नहीं सकती। वो भी मेरे से कंजूस थे, एसटीडी पे लंबी कहाँ बात करूँ, तो वो बोले घर आके बात करते, छोटी सी बच्ची क्या पूछेगी। तो जब मैं घर आई और मैंने देखा बाबा पहले जाके, क्योंकि हम 15 ही थे, लिखवा के लाई थी मैं कि ये सब है, मैं कौन हूँ, मुझे पूछे मैं कौन हूँ। कह रहे उनको सिर्फ कहना बेटा सबसे बड़ी जात से तुम आई हो। मैंने अच्छा कौन सी, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। अच्छा 7वीं कक्षा की बेटी को तो ये समझता नहीं। मैंने बाबा प्लीज रुकिए ना, मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हैं, सामने वाली पूछ रही मेरी भी कोई इज्जत का सवाल है कि नहीं। तो मैंने कहा ऐसे क्यों कह रहे हैं आप। कह रहे हैं बेटा आज ये भारतवर्ष जब आगे जाएगा ये मेरी पीढ़ी देख नहीं पाएगी, वो खुद तभी विजन के रूप से कहते थे, लेकिन तेरी और तेरी आगे वाली पीढ़ी ये जरूर देखी, जब भारत आगे जाएगा तभी आगे जाएगा अपने नाम के साथ, जब कोई जाति व्यवस्था का जो रिकामा वो रहता है ना फॉर्म में, वो ना भरते हुए ये लिखाएगा कि मैं भारतीय हूँ और मैं इंसानियत से काम करना चाहता हूँ, तो ही देश बदलेगा। फिर मैंने कहा ये आप कह तो रहे हो लेकिन फिर जाति व्यवस्थाओं में ऐसी ऐसी बातें क्यों हैं। तब मेरे पिताजी ने मुझे कहा बेटा जाति व्यवस्था इसलिए इसमें बातें हैं कि आप कहते हैं कि यहाँ पे इतने परसेंटेज रिजर्वेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने कहा ये क्यों है, क्यों नहीं हम सब साथ में हैं, क्योंकि मैं छोटी थी मुझे समझ नहीं आता था। उन्होंने कहा मुझे कि बेटा हमारे पूर्वजों की बहुत सारी गलतियों की वजह से बहुत सारे अपने ऐसे लोग हैं जो जाति व्यवस्थाओं से दलित, पीड़ित, शोषित है, और जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम सब साथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये काम बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमने समर्थन करना चाहिए। 7वीं कक्षा की बेटी को ये कुछ नहीं समझ आया। लेकिन जब मैं आज राजनीति में जाती हूँ, आज मैं गाँव में जाती हूँ, शहरों में जाती हूँ, चुनाव जब लड़ती हूँ, चुनाव में देखती हूँ कि समीकरण जातियों